ये बड़ी कॉमन बात है कि ये जो टेल बोन है इसके ऊपर लोगों को, ये मेरे ख्याल में बड़ा अहम टॉपिक है कि बैक पेन जो है ये अक्सर लोगों को हमारे यहाँ है, और दूसरा अक्सर प्रॉब्लम जो है वो घुटनों के दर्द है, घुटना च दर्द बड़ी होती है, कमर दर्द बड़ी कॉमन चीज़ है ख्वातीन में भी मर्दों में भी, और ख़ास तौर पर नीचे की कमर जो है टेल बोन की तरफ जो है ये बड़ी ही ज़्यादा कॉमन है, क्या वजूहत हो सकती हैं इसकी? देखिए सर, मल्टीपल वजूहत हैं, एक तो कमज़ोरी, कमज़ोरी हो सकती है आपके अंदर ये, और जो मैं अमूमन अपने मरीज़ों के साथ और मुआशरे के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ जो शेयर करता हूँ वो हमारा है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। सही बात है। एक्सरसाइज मीन बाय कि अगर कोई दोस्त ये समझते हैं कि जी मेरा काम काज ही ऐसा है, मैं तो पहले ही चल लेता हूँ और मैं तो थक जाता हूँ, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। घरों के अंदर हमारी बीबियाँ ये समझती हैं जी किचन का तो मैं काम करती हूँ, बाकी कपड़े धोते हैं, लिहाजा मैं तो बहुत काम करती हूँ तो लिहाजा मुझे एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज ये है जो उनसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़ात के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट ज़रूर दें, और ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज ये है कि आपने एक तो वॉक को अगर शोर बना सकते हैं, फिर जापानियों को अगर आपने देखा हो या चीनियों को देखा हो, ये जो हमारी येलो रेस है, तो कुछ नहीं तो अपने सारे जोड़ों को ऐसे हलाते रहेंगे और बड़े बैठे हुए बैठे भी वो करते हैं, ठीक है। लॉन्ग सिटिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स के हमारे यहाँ कमर के साथ दर्द जो होते हैं, देर तक बैठना। फिर बाबू लोग या स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं तो मतलब घंटों बैठते हैं एक ही पोस्चर के अंदर आके, और फिर आजकल चूंकि कंप्यूटर और मॉडर्न साइंसेस का ज़माना आ गया, लैपटॉप का, लैपटॉप बैठा है तो बच्चे बस बैठे हुए हैं। एक तो उनका आईक्यू लेवल, आप तो गबर की गर्द करें, अभी बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ बिलखसूस आया कि गर्दन के अंदर बहुत दर्द आ गए, वो चूंकि उनका आईक्यू लेवल ऐसे नीचे उन्होंने रखा होता है और गर्दन पोस्चर्स और पट्टे हैं, तो उसके साथ वो पट्टे प्लस गर्दन जो उसके साथ, बेसिकली ये पट्ठों का मसला होता है जो कि एक खास पोस्चर के अंदर आपने उसको फिक्स किया हुआ है, पट्ठों ने हड्डी को सीधा उन्होंने अपने स्टेबल करने